हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुनीतास किचन। आज मैं आपको तीन तरह से कुल्फी बनाना बताऊंगी। तो आइए देख लेते हैं कुल्फी बनाने के लिए किन किन सामग्री की आवश्यकता है। एक ब्रेड, एक मैंगो और एक सूखा गोला नारियल का। मैंगो को हमने बारीक पीस लिया है, नारियल को कद्दूकस किया है, आधा कप चीनी, 8-10 ड्राई फ्रूट्स कटे हुए, इलायची पाउडर। कुल्फी जमाने के लिए मैंने यहाँ पे कॉफ़ी मग यूज़ किया है, आप चाहे तो ग्लास भी यूज़ कर सकते हैं। और दूध मैंने लिया है 1/2 लीटर फुल क्रीम। अब दूध का हमें उबालना है हाई फ्लेम पे। दूध में उबाल आ गया है, गैस धीमी कर दे और इसे हर 2 मिनट में लगातार चलाते रहें ताकि जो दूध है वो तले में ना लगे। इसे तब तक उबालना है जब तक कि दूध गाढ़ा ना हो जाए। जब तक दूध उबलता है तब तक मैं इस ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े कर लेती हूँ इस तरह से। इस तरह से ब्रेड को पूरा चूरा चूरा कर देना है। ये देखिए, ब्रेड को हमें इस तरह से चूरा करना है। ये देखिए, दूध जो है वो गाढ़ा हो चुका है। इसे लगभग मैंने 10 से 15 मिनट तक उबाला है। अब इसमें डालें चीनी, कटे हुए ड्राई फ्रूट्स, इलायची पाउडर। इन सबको अच्छे से मिक्स करें। गैस ऑफ कर दें और इसे ठंडा होने दें रूम टेम्परेचर पे। दूध जो है वो ठंडा हो चुका है। अब हम एक बोल में डालेंगे घिसा हुआ नारियल और पीसा हुआ मैंगो। अब दोनों बॉल में थोड़ा थोड़ा दूध डालें। और मिक्स करें। अब ब्रेड वाली कुल्फी बनाएंगे तो उसके लिए जो ब्रेड का चूरा है उसे मिक्स करें। अब कॉफी मग में तैयार बैटर को डालेंगे। देखिए, मैंगो कुल्फी इसमें डाल दिए हैं। इसमें नारियल कुल्फी डालेंगे। और तीसरा ब्रेड कुल्फी। अब इसे फ्रिज में सेट होने के लिए रख देते हैं। अब कुल्फी थोड़ा सेट हो गया है, थोड़ा जम गया है, तो इसमें हम कुल्फी के डंडे डालेंगे और दोबारा इसे फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे 8 से 10 घंटे के लिए।
8 घंटे पूरे हो चुके हैं, कुल्फी तैयार है। आप चाहे तो इसे पूरी रात भी रख सकते हैं, और अगर जल्दी में आपको कुल्फी बनाना है तो आप ग्लास में डाल करके फ्रीजर में रख दीजिए, और अपनी हथेली से इस तरह से घुमाते हुए कुल्फी निकालेंगे, क्योंकि जो हथेली की गर्मी है उससे कुल्फी अपने आप आसानी से निकल जाएगी। ये देखिए इस तरह से अब हम दूसरी ग्लास की कुल्फी निकाल लेते हैं। दूसरी ग्लास की कुल्फी भी तैयार है, ये देखिए। इसी तरह से हम तीसरे ग्लास की कुल्फी निकाल लेते हैं, ये कुल्फी भी तैयार है। बहुत ही इसी तरीके से और बहुत ही कम टाइम में आप इसे घर पे बना सकते हैं। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।